वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्स्ट। तो आज हम करने वाले हैं सोनी नगर को एक्सप्लोर, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं। तो नवंबर स्टार्ट हो चुका है, विंटर कलेक्शन मार्केट में आ चुका है। तो देखते हैं कि इस बार विंटर कलेक्शन कैसा है। सो डोंट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस बार मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री की थी। आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 की एंट्री। गेट नंबर 1 की एंट्री पर ही लेफ्ट साइड पे आपको बेडशीट्स का और पर्दों का कलेक्शन मिलेगा। सिंगल बेड और डबल बेड की आपको बेडशीट्स मिल जाएंगी, बहुत अच्छी। उसके साथ में यहाँ पे इयररिंग्स का कलेक्शन होता है। ये भैया हमेशा हर बार यहीं पे मिलते हैं मुझे। इस बार इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत सारे इयररिंग्स का स्टॉक था। 20 रुपीज़ ईच आपको यहाँ पे इयररिंग्स मिल जाएंगे डेली वेयर के लिए। इनकी इयररिंग्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप एक बार लेते हैं तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस यू वॉन्ट द न्यू वन। और इनके पास इस बार रिंग्स का भी अच्छा कलेक्शन था, तो मैं यहाँ रिंग्स देख रही थी। डेली वेयर के रिंग्स, नग वाली रिंग्स और इंडियन ड्रेस के साथ पहनने के लिए काफ़ी अच्छा रिंग कलेक्शन था इनके पास। ये 50 रुपीज़ ईच कह रहे थे, लेकिन अगर आप इनसे बार्गेनिंग करोगे तो ये मान जाएंगे, आपको ये 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के रिंग्स दे देंगे अलग अलग। बिल्कुल इसके सामने ही कुर्ती का कलेक्शन था, यहाँ पे ड्रेसेस का कलेक्शन था। 150 रुपीज़ की कुर्ती, 50 रुपीज़ की ड्रेसेस, बहुत अच्छी यहाँ पे मिल रही थी। मैं देख ही रही थी कि मुझे ये ब्लैक कलर की ड्रेस दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी स्लीव नेट की है, लेकिन ये ड्रेस विलन की है, तो मैं विंटर्स में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से वेयर कर सकती हूँ जैकेट वगैरह के साथ। ये काफ़ी प्रिटी लग रही थी मुझे। जो भी ये 50-100 रुपीज़ का कलेक्शन होता है यहाँ पे, आपको थोड़ा देख के लेना चाहिए कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कलर फेड वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, टॉप्स थे 50 रुपीज़ में, टी शर्ट थी विलन की, काफ़ी अच्छा था ये। गेट नंबर 1 से मैं पहले सीधा गई थी, वहाँ पर ये 200 रुपीज़ के नाइट सूट्स थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और मेन बात ये थी कि आपको यहाँ पे हर साइज़ के नाइट सूट मिल जाएंगे। उसके साथ में ही लड़कों और लड़कियों के लिए यहाँ पे क्रॉक्स और स्लीपर्स वगैरह का कलेक्शन था 200-250 रुपीज़ के। उसी डायरेक्शन में चलते हुए मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ की ड्रेसेस दिख रही थी। ये 100 रुपीज़ की समर ड्रेसेस थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसमें मुझे ये पीच कलर की ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी थी, बट इसमें ज़्यादातर एस एम और एल साइज़ ही था, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ कम था। शॉप नंबर 2 के सामने ये ड्रेसेस थी एंड ये मंडे को ही 100 रुपीज़ की ड्रेस बेच, और ये दोनों भैया मुझे इतना घूर रहे थे ना। ओके, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ की कार्डिगन की सेल लगी हुई थी, और ये कार्डिगन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। मुझे ये ग्रे कार्डिगन काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे डोलो की अपने थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि मुझे आएगा नहीं ये। मुझे ये कलर काफ़ी प्रिटी लग रहा था, ये ऑरेंज मस्टर्ड कलर है आई थिंक। ये शॉप नंबर 2 के साथ में ही है और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, इनके कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड द मेन थिंग, यहाँ पे आपको हर साइज़ के कार्डिगन मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज भी। ओके, तो उसी रो में आगे चलते हुए मुझे यहाँ पे बैग्स का कलेक्शन मिला। इस बार बैग्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था पूरी मार्केट में। ये शोल्डर बैग जस्ट 300 रुपीज़ का था और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ये सिंदूर की डिब्बी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये हैंड बैग, पर्सेस वगैरह आपको 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ के मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी में। इस बार आपको होम डेकोर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा पूरी मार्केट में। यहाँ पे ये 200 रुपीज़ की ट्रेस थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके साथ में ये वॉचेस का कलेक्शन था, ये आपको 150-100 रुपीज़ की मिल जाएंगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था कि इस बार बॉयज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और बहुत वैरायटी थी लड़कों के लिए। ये 350 रुपीज़ के लोवर्स थे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। जैकेट थी 300-350 रुपीज़ की। आपको यहाँ हैंगर्स पर 100-200 रुपीज़ के लोवर्स, पैंट्स और जीन्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगी। यहाँ पर साइज़ का काफ़ी इशू होता है। मुझे इस बार शूज़ का कुछ नया कलेक्शन नहीं दिखा, मे बी दिसंबर या जैन में कुछ अच्छा आए, लेकिन बैलीज, फ्लोटर्स और सैंडल का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, न्यूड कलेक्शन था, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर जो शूज़ वगैरह हैं ये आपको 150-200 रुपीज़ के इजीली मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी अलग है, प्राइस अलग है। ये ट्रेंडिंग हेयर क्लिप्स हैं 50 रुपीज़ के, आपको यहाँ मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर आपको 100-150 रुपीज़ के देखने को मिलेंगे। ये शॉप नंबर 19 के सामने ज्वेलरी कलेक्शन है। इन भैया का ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छा था, ये इंडियन ड्रेस स्टाइल्स के साथ बहुत प्रिटी लगती हैं। इन भैया के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, ये चांद बाली झुमकेस आपको इंस्टाग्राम पे 350-450-550 के आसपास मिल जाए। ये वाइट और ब्लैक कलर के इयररिंग्स करंटली ट्रेंडिंग हैं, ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत अच्छे लगते हैं ये, और इनका प्राइस 50-70 रुपीज़ भैया दे रहे थे। बाकी सब 150 से स्टार्ट थे, बाकी सब कुछ
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ होम डेकोर का इस बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, तो भैया ये ड्रीम कैचर्स 150 रुपीज़ पेयर दे रहे थे और इनके पास काफ़ी अच्छा होम डेकोर का कलेक्शन था और शोकेसेस के प्राइसेस 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे। अगर आपका नया नया घर बनाया तो आपको बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस मिल जाएंगे यहाँ पे होम डेकोर के, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी होम डेकोर की। आपको हर टाइप का होम डेकोर यहाँ मिल जाएगा, इवन किचन के स्टफ्स भी थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जो वुडन कॉम भी थी, लाइट लैंप्स वगैरह हर साइज़ के लाइट लैंप्स थे, 300 से स्टार्ट थे, 1000-1500 तक थे। आप बार्गेनिंग करेंगे तो सब कुछ आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे है। आजकल टाइडाई टी शर्ट्स कॉर्डेड सेट्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। यहाँ ये लोवर्स थे, टाइडाई लोवर्स थे 200 रुपीज़ के, लेकिन इनका साइज़ 28, 30, 32 तक ही मैक्स था। तो ये फर्स्ट पार्ट है सरोजिनी नगर मार्केट का, सेकंड पार्ट कल आएगा। इस बार विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा था, तो काफ़ी कुछ देखने को अभी आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।